दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, परदेसी फैमिली बाजार, एके टेंट एंड केटरर्स, साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा के तत्वावधान में आयोजित हुई वृहद विधिक सेवा शिविर, प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने की शिरकत, जिले के भी सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। गौ संरक्षण अधिनियम के तहत पकड़ा गया वांछित अपराधी, सीओ कोतवाली ने किया मामले का खुलासा। भाजपा के एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक हुई संपन्न, विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर हुई चर्चा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मंडल स्तरीय बैठक हुई संपन्न, बनाई गई रणनीति, मंडल के सभी जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। बीजेपी की चुनावी बैठक हुई संपन्न, बनाई गई आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक हुई संपन्न, आगामी 24 मार्च को होगा पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन। और समाजवादी पार्टी की ओर से एक आवश्यक बैठक हुई संपन्न, सदर सांसद सहित कई वरिष्ठ सपाई रहे मौजूद। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा के संयुक्त तत्वावधान में वृहद विधिक सेवा शिविर का आयोजन महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में सामाजिक एवं न्यायिक जागरूकता जगाना था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश डी के अरोड़ा, जिला न्यायाधीश गोविंद वल्लभ मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों का स्वागत करके किया गया। इस दौरान अतिथियों को मोमेंटो भी भेंट किया गया। एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना अपना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैडम गुप्ता शर्मा से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय का स्वागत। मैं राज्य विधिक सेवा का कि वो मैडम ऊर्जा शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक, ऊर्जा अज्ञानता को दूर करने वाला, ज्ञान रूपी और अंतोगत्वा जीवन को सृजित करने का प्रतीक। आज का जो ये शिविर है उस उद्देश्य में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान, रोशनी प्रकाश जो अज्ञानता को दूर करता है, हमें सक्षम और सामर्थ्य बनाता है। मेगा लोक अदालत में मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके तत्काल बाद इस विधिक सेवा शिविर को संबोधित करते हुए प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। इस तरह के आयोजन से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध होता है कि धीरे धीरे ही सही हमारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है। कुछ देर से सही, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि हमारा चेतना का स्तर, और जब हम चेतना की बात करते हैं तो जब विधिक चेतना, और विधिक चेतना का अर्थ जो विधि के शासन को उन्नत करने के लिए जो हमारी हर तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चेतना को व्यापक बनाने में सहयोग दे, वह चेतना। विधि चेतना का अर्थ सिर्फ कानून का परिचय कराना नहीं है। हम 70 वर्ष से एक लोकतंत्र के नागरिक हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं, जहाँ पे कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन प्रिवेल करता है। ज्योत्सना जी ने अभी कहा कि हम विधि की चेतना का स्तर सभी में, सभी पक्षों में, आप सब में और सर्विस प्रोवाइडर्स में,
दोनों में ही बढ़ाना चाहते हैं। उनकी बात कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी व्यवस्था के अंदर यदि व्यक्ति का भरोसा इस चीज में है कि उसे न्याय मिलेगा, तो ये मान के चलिए कि वह व्यवस्था हमेशा मजबूत होगी। हो सकता है कि ऊपर हमें यह लगे कि हमारा तंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन यदि व्यक्ति का भरोसा इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में है, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम केवल अदालतें नहीं है, हमारे सभी तंत्र, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी, हमारे और दूसरे सिस्टम्स अगर इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हमारा लेजिस्लेचर जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स बना रहा है, जो भी इनेक्टमेंट्स दे रहा है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर यह भरोसा हमारे को है, हमारे आम नागरिक को यह भरोसा है, तो हमारा सिस्टम हर दिन, हर पल, हर क्षण मजबूत होता रहेगा। अपने उद्बोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कॉलेज प्रांगण में लगे अलग अलग स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इन स्टॉलों के अंतर्गत बाल विकास, पुष्टाहार, एनडीआरएफ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित कई स्टॉलों का मुख्य न्यायाधीश ने विधिवत निरीक्षण किया। हॉस्पिटल्स का, कई मैटरनिटी होम्स का, सर नहीं आंगनबाड़ी केंद्रों का होता है सर, और जो टीकाकरण होता है उसमें 7 लाख देते हैं। ये सर, ये जो गर्भवती माता है होती है, उनका जब 6 महीने का प्रेगनेंसी हो जाता है, कहाँ कैसे कैसे क्या लेना है, तो मिला के पोषण के लिए सर हम लोग जो पेंशन मतलब सर करते हैं, सामूहिक विवाह योजना सर, सारे हम लोग शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास। अच्छा अच्छा, इसके बारे में जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग का, रेलवे का, देखिए वो छोटे छोटे बच्चे वाइटनर का वो नशा का वो हो जाता है, शिकार हो जाता है उन लोगों को, हम लोग सर पुलिस निशान संकेत है, उनको पहचानना सीखे थे कहाँ कहाँ क्या सुनते थे चौराहे पे। पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब गौ संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकृत कई मुकदमों का वांछित अपराधी उसके हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में कुशीनगर जनपद के लक्ष्मीपुर के निवासी नूर शेर को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा कि मुखबिर की सूचना से यह गिरफ्तारी संभव हो पाई है। एक अच्छा अपराधी है जो इसके पहले भी डकैती वगैरह के मुकदमे में जेल गया है। कुबेर स्थान कुशीनगर का जनपद का रहने वाला कुबेर स्थान का थाना है, और इनका मुख्य धंधा शहर शहर घूम करके और छुट्टे जानवर या गायें ये जो बंधी हुई रहती हैं इन्हें खोल करके चोरी से ले जाना, और बिहार में इनका एक बाजार है अंदर, वहाँ पहुँचाते हैं और वहीं से वो अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। उसमें से एक अपराधी पहले भी पकड़ा जा चुका है, एक आज पकड़ा गया है जिसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, और वो पकड़ा गया है। अभी 2 लोगों की और गिरफ्तारी शेष है, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो शराब लेके पकड़ा गया सर, शराब ये शराब जो है दूसरी कंपनी का, कंपनी से मतलब अभी ये लोकल है या क्या है ये तो अभी परीक्षण के बाद आएगा, लेकिन उसमें स्टिकर दूसरी कंपनी का लगा हुआ है, हरियाणा ब्रांड का लगा हुआ है, और रैपर भी अलग है। तो ये इस तरह का अपराध कर रहे हैं, इनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं गिरोह के लोग, उनके भी नाम प्रकाश में आए हैं जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक की गई। इस बैठक में एनजीओ द्वारा सरकार के विकास कार्यों की जन जन तक पहुंचाने की चर्चा भी की गई।
बैठक में एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अशोक नागर, क्षेत्रीय संयोजक उमेश उमर, महानगर जिला संयोजक डॉक्टर मंजू शुक्ला, गोरखपुर जिला संयोजक विनय तिवारी मौजूद रहे। जब चंद्रगुप्त और सेलूकस का एक उदाहरण में देना चाहता हूँ, उन लोगों का युद्ध आ रहा था। जब राजाओं के युद्ध होते थे तो सेलूकस ने अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त के शादी का प्रस्ताव रखा, तो चाणक्य ने एक बात कही कि ठीक है, हेलेना से चंद्रगुप्त की शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसका बेटा राज नहीं करेगा, क्योंकि विदेशी माँ का बेटा कभी आपके देश का भला नहीं कर सकता। ये इतिहास है, आप कभी भी देख लीजिएगा, ये विश्व का इतिहास है। बहुत सारे उदाहरण आपके हैं। संस्कृति एक बार फिर आपसे अपनी रक्षा करने का आपसे अधिकार मांग रही है, आपका सहयोग मांग रही है, आपका परिश्रम मांग रही है। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अपनी बात खत्म करता हूँ कि माननीय योगी जी, सम्मानित मंच, आप सबके सम्मान में दोस्तों हम सबको एक प्रण लेना है। हमें अपने देश की चाहेंगे अपने करते हुए समापन की घोषणा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह संबोधित करते हुए कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाया जाएगा। युवा मोर्चा के क्षेत्र के अध्यक्ष रणजीत राय बड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रमुख पदाधिकारी, आज की यह महत्वपूर्ण बैठक जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, हमारे व्यवस्था की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से, और अभी पूरे मार्च भर जब हम 13 लोकसभा क्षेत्रों में, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, सभी में किसी न किसी विधानसभा में महिला मोर्चा के सम्मेलन है, युवा मोर्चा के सम्मेलन है, एससी मोर्चा के सम्मेलन है, ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन है, किसान मोर्चा के सम्मेलन है, यानी उस लोकसभा में पांचों विधानसभा में किसी न किसी मोर्चे के सम्मेलन होने हैं। उसकी दृष्टि से हमारे सभी मोर्चे के अध्यक्ष और हमारे क्षेत्र का एक पदाधिकारी आज उस कार्यक्रम की दृष्टि से इनको प्रभारी बना करके नीचे तक हमारे सम्मेलन ठीक हों, ऐसे सब दायित्व और धारी कार्यकर्ताओं को आज की बैठक में बुलाया है, और उसी दृष्टि से अभी एक एक विषय पर ठीक ढंग से हमारा कार्य कैसे चलेगा, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से एक एक विभाग के बारे में रत्नाकर जी ने विस्तार पूर्वक आप सबसे चर्चा की है, और अभी आज से लेकर के 31 मार्च तक बीच में और भी कई का आयोजन होने हैं, कई कार्यक्रम होने हैं। कल हम लोगों के गोरखपुर क्षेत्र की एक बड़ी बैठक भी है, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम आया है, उसकी दृष्टि से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी 5 जो मोर्चे के सम्मेलन होने हैं और एक मीडिया, एक आईटी का, यानी 6 हमारे हर लोकसभा क्षेत्र में सम्मेलन। थोड़ी विसंगतियाँ भी हैं, हमने लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रदेश में भी चली गई और प्रदेश ने वापस की है और मऊ की भी आती है, तो ऐसा हुआ कि उसमें तीनों के तीनों जो किसान मोर्चा के सम्मेलन है वो बलिया में आ गए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर।
AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009993559081। के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। कांग्रेस के मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन बरगदवा स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें मंडल के सभी जिलाध्यक्ष सहित भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश शुक्ला, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तौकीर आलम सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। इस बैठक में आगामी चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को किसानों के समृद्धि के संबंध में कांग्रेस ने जो भी कार्य किए थे उसके बारे में जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। लोगों को दूर कैसे किया जाए उनको भी, और जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को और आगे और कैसे अच्छा किया जाए, इसलिए कि वक्त अब युद्ध का आ चुका है और युद्ध के मैदान में हाथ बांधे हम खड़े नहीं रह सकते। जब नेहरू गांधी परिवार इस तरह से सड़क पर उतर चुका है, और दूसरी बात कि अगर आज हम कहीं डर के, सहम के, मायूस हो के, हताश होकर सिर्फ अगर घरों में कैद हो गए और आपकी भी अनदेखी कर दिए, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला कल हम सबको माफ नहीं करेगा। और अगर आने वाले कल को, आने वाले पीढ़ी को अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं, उनके आंखों में आंखें डालकर अगर बात करना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को भी एक दूसरे से दिल साफ करके, दिल और दिमाग साफ करके बात करना होगा। बैठक के बाद हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अखिलेश शुक्ला ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके इस बार के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल होगी। संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक से मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता रहेगी और जो उनका अधिकार है वो मिलेगा। और जो दोनों हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं, इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये लोग पूरी ईमानदारी से, इनके बारे में ये कहा भी जाता है कि ये पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ईमानदारी से यहाँ की बातों को, यहाँ के दुख को, अगर किसी के मन में कोई तकलीफ है या कार्यकर्ताओं के अंदर में कोई विरोधाभास है, ये सारी बातों को वो नेतृत्व को पहुँचाने का काम करेंगे। बैठक में कहाँ से लोग आए हैं? हमारे कानपुर के पूर्व विधायक हैं और सेवा दल के अध्यक्ष हमारे आए हुए हैं, ये दोनों लोग प्रमुख हैं इसके। भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन महानगर के निषाद राज मंदिर में आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के जयप्रकाश निषाद मौजूद रहे। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद हमारे संवाददाता से बात करते हुए जयप्रकाश निषाद ने कहा कि आगामी 24 मार्च को पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन किया जाएगा। जो है मैसेज गोरखपुर से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की नगरी से ये मैसेज दिल्ली तक पहुंचे और जो है एक भारी प्रचंड बहुमत से यहाँ से लोकसभा जीता करके भेजने का काम किया जाए। पार्टी से जुड़े कुछ निषाद समाज के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, किस तरह का ये क्या है? ये उनका व्यक्तिगत, जो भी मांग कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के नाते कुछ लोगों को, गरीबों, मजदूरों को ले जा करके उनको कानून के शिकंजे में फंसाना चाहते हैं, फंसा करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, अगर ऐसी मंशा होती तो निश्चित तौर पर जो है उस समाज के बारे में सोचते, ना कि अपने कुनबे के बारे में सोचते, अपने घर परिवार के बारे में सोचते। परिवार वो अपना चलाना चाहते हैं, कभी समाज का भला के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से एक आवश्यक बैठक का आयोजन पार्टी के बेतियाहता स्थित कार्यालय पर आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सदर सांसद प्रवीण निषाद, सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, मनोरंजन यादव, रजनीश यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में आगामी प्रदर्शन और संघर्ष के बारे में चर्चा की गई।
ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन की ओर से विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में बैंकर और संघ से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी AIBOC के प्रेसिडेंट देवाशीष घोष ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। जनरल बॉडी है, उसमें लोगों को लेटेस्ट परिप्रेक्ष्य क्या है बैंकिंग का, उसका बारे में बताने के लिए, प्लस हम लोगों का जो सैलरी रिविजन नहीं हो रहा है उसका कारण क्या है, कहां कहां अटकलें पड़ रहा है उसको बताने के लिए। थर्ड, देश में बैंकिंग किस तरह से करूं जिससे गरीबों को समाधान हो प्रॉब्लम का, क्योंकि ये सार्वजनिक बैंक है और इस बैंक को जो प्राइवेटाइज करने का जो नीति लिया है ये गवर्नमेंट, वो कैसे अफेक्ट करेगा बैंकिंग को और साधारण लोगों को व हमारा अर्थनीति का ऊपर, उसका ऊपर विचार विमर्श करने के लिए काल का प्रोग्राम है। क्या मुख्य समस्याएं हैं बैंकों में? बैंक का मुख्य समस्या है तो बहुत कुछ है, एक तो सैलरी बहुत पुअर है, दूसरा रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, तीसरा बैंकिंग छोड़ के बाकी सारे काम सरकार चाहता है करूं और प्रॉफिट भी साथ में करूं, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सरकार बोलता है NPA इज नॉट द प्रॉब्लम। NPA एक हम लोग जो हिसाब किताब करता हूँ, जो हम लोग लेखा जोखा करता हूँ, उसी के रूल्स को बदला के आप NPA बोला है। NPA बहुत पहले का ही तैयार होकर पड़ा हुआ था। ये लोग उस समय क्या बोले थे, फिर दूसरे डोज दो, तीसरे डोज दो, ये कर करके इस NPA को बढ़ाया गया है। अभी जो चीज़ है पॉलिटिकलाइजेशन इन बैंकिंग, ये बंद हो जाना चाहिए। हमारा उधर सबसे बड़े लोग जो है, जैसे हमारा बोर्ड का द्वारा बैंक चलता है, बोर्ड में सरकारी तंत्र का लोग आके बैठता है, क्यों बैठेंगे, बैंक का लोग बैंक चलाएंगे ना। तो हम लोग को कहना है कि बैंक जो सार्वजनिक बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उसको काम करने का अवसर दिया जाए, ना कि हमारा हर डिसीजन का ऊपर उन्होंने अपना प्रतिबंध लगाए। और एक चीज ध्यान रखिए, हम मास बैंकिंग करेंगे बस सरकार किसी क्षेत्र में हम लोन देंगे। विश्व ग्लूकोमा दिवस के अवसर पर 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक एक वृहद नेत्र जांच और उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि समाज के निर्धन वर्ग के लिए लोगों को जटिल नेत्र रोगों से निजात दिलाएगा। ये आयोजन श्री राम जानकी नेत्र चिकित्सालय की ओर से पत्थरकोटी कृष्णा रोड चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी सिटी वन चैनल के संवाददाता को देते हुए डॉक्टर पंखुड़ी श्रीवास्तव ने कहा कि गरीबों के लिए न्यूनतम शुल्क पर हर तरह के आंखों की समस्या का निदान किया जाएगा। वो इसी तत्वावधान में हमारा जो श्री राम जानकी नेत्रालय है वो ग्लॉकोमा के मरीजों एवं अन जटिल नेत्र रोग जिसमें ग्लॉकोमा जिससे संबंधित होता है, ऐसे सभी नेत्रों की हम लोग जांचें, विश्व स्तरीय जांचें एवं उनका उपचार, निदान, सर्जरी इत्यादि द्वारा ये हमने करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान सभी नेत्र रोगों के मरीजों का स्क्रीनिंग टेस्ट करके हम लोग उनको डायग्नोस करेंगे कि कौन व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है, और उसके पश्चात जांचें करके उनका जो भी यथोचित उपचार है वो किया जाएगा। इसके लिए हमने कुछ छूट का भी प्रावधान रखा है, क्योंकि ये जांचें बहुत अधिक कॉस्टली भी होती हैं कई बार, क्योंकि काफ़ी महंगी मशीनों द्वारा की जाती हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये सर्व जन साधारण को ये इसकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।